फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला के न्यू उस्मानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शास्त्री पार्क के MCD के अंदर लगी आग, 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां जली। तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली जिला का ये न्यू उस्मानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शास्त्री पार्क DDA फ्लैट के पास बनी पार्किंग का है, जहां फायर कंट्रोल रूम को बुधवार की शाम 7:15 और 16 मिनट के आसपास कॉल मिली थी कि पार्किंग है जो MCD की, उसमें आग लगी है, जिसके बाद 2 फायर की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इसमें 2 दर्जन से ज़्यादा जो पार्किंग में जो 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर जो भी खड़े थे वो पूरी तरह से जल गए। मौके पर पुलिस और न्यू उस्मानपुर थाने के SHO भी पहुंचे हैं। आग किस तरह से लगी अभी तक ये पता नहीं चल सका है। पुलिस इसमें कर रही है जांच। इस पर क्या कुछ कह रहे हैं फायर अधिकारी, सुने बाइट। सर, हमें ये कॉल मिली थी, ये 19:15:16 की कॉल है कि शास्त्री पार्क जो है MCD की जो पार्किंग है उसमें गाड़ियों में आ गए, और 19:15:16 पे हमारी 2 गाड़ियां आई थी शास्त्री पार्क से, उस पर जो SO मनीष जी आए थे, और उसके बाद में फिर हमारी और आग ज़्यादा थी, उसकी वजह से फिर लक्ष्मी नगर से भी गाड़ियां लेके हम आए हैं। मैं लक्ष्मी नगर फायर स्टेशन से SO देशपाल से आके अभी जो है कंट्रोल में है आग, अभी अंडर कंट्रोल मैसेज हम दे चुके हैं, और अभी थोड़ा बहुत धुआं रह रहा है, बाकी काम जारी है। कितनी गाड़ियां इस आग में जो है? सर, ये तो अभी हम कैलकुलेट करके ही बता पाएंगे, क्योंकि अभी इनकी काउंटिंग करनी बाकी है। सर, गाड़ियां जो लाई जाती थी ये MCD पार्क की पुरानी गाड़ियां होती है? सर, इसके लिए तो आपको दिल्ली पुलिस का स्टाफ बता पाएगा, वो जो इन्होंने वहाँ पे किस किस्म की गाड़ियां हैं, हमारे तो आग बुझा रहे हैं।